गाइज आपने छोले कुलचे तो काफी खाए होंगे, आज मैं आपको दिखाऊंगा मटर कुलचा। तो भाई ये मेनू कार्ड देख लो आप सबसे पहले, और ये है यहाँ के ओनर भैया। नमस्ते भैया, नाम बता दो सबसे पहले। नाम है सोनेकर भैया। अच्छा तो अच्छा ओके तो वैसे कब से बनाते आ रहे हैं आप ये? रिसेंटली स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा अच्छा ओके, तो ये अपना बनना जा रहे हैं अभी? हाँ, ये मटर कुलचा अपना। अच्छा ओके, तो दिल्ली स्टाइल में बनेगा? बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में, इसको नागपुरी तड़का दिया है। अरे वाह, अच्छा तो बड़ा स्पाइस वगैरह काफी रहेगा ना? स्पाइसी रहेगा आपको? अच्छा तकलीफ वाला काम रहेगा। अरे वाह, सुबह वाली तकलीफ। अच्छा यानी आज उल्टा सोना पड़ेगा। देखो ये चिलीज आ गई इसमें। हाँ वैसे भैया ये आइडिया कैसा है आपको? क्योंकि नागपुर में ना नॉर्मली ये गुपचुप शिवपुरी अपना और समोसा कचौरी वगैरह काफी चलता है, और छोले कुलचे मटर कुलचे काफी कम मिलते हैं अपने नागपुर में। वैसे एक्चुअली मैं होटल मैनेजमेंट कर चुका हूँ। अच्छा गुडियो। अच्छा नागपुर में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर फूड टेस्ट ना किया। अरे वाह, हर जगह घूम के आया। अच्छा तो ये आइडिया उसी से आया है। अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी हुआ था, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा ओके, स्टार्ट करने की सोचा। अच्छा और बाकी लोगों का रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा है। ये आइडिया इसके है कि मैंने नागपुर में थोड़ा सर्च किया। अच्छा हाँ, तो मुझे मिला नहीं, बहुत ज्यादा सर्च किया। अच्छा मैं फूडी हूँ ना, मुझे तो नई चीजें खाने की आदत आदत है। सही बात, नागपुर की बनी चाहिए। तो देखो ये मटर आ गई इसमें। अच्छा मटर को रात भर भिगोना पड़ता है। अच्छा सुबह बॉईल करना पड़ता है इसको। बॉईल ऐसे करना है कि थोड़ा मैश होने का, एकदम मैश होना चाहिए। अच्छा ओके, उसका फ्लेवर लगना चाहिए। ठीक है ठीक है, ये मसाले रहेंगे उसमें। अच्छा गोल्डन इंडियन मसाला, गोडा मसाला। अच्छा ये कौन सा मसाला? गोडा मसाला है। गोडा मसाला। अच्छा ये क्या होता है भैया गोडा मसाला? ये स्पाइसेस को मिला के थोड़ा अच्छा तेज करने के लिए इसका फ्लेवर। अच्छा ओके, अरोमा तेज करने के लिए। अच्छा ये पेरी पेरी भी है। अच्छा पेरी पेरी पाउडर, ये आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला। ये चाट मसाला आ गया, और ये सॉल्ट। अच्छा इसमें आपको एक्स्ट्रा में ऐड करना है, इसमें मसाला बनाया है घर पे। अच्छा ये कौन सा मसाला है? ये आपका होममेड वाला है? होममेड वाला। अच्छा और ये क्या गया ऊपर से अभी? ये गरम मसाला। गरम मसाला। ये मटर चाट रेडी। मटर बन के रेडी हो गया जी। अच्छा अभी इसके साथ अपन कुलचा लेते हैं। अच्छा अपने ब्राउन में रेडीमेड आता है तो रेडीमेड कुलचा ही है जी। सॉफ्ट रहता है, पिज्जा जैसा रहता है। अच्छा इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड होते हैं। ओके और ये सिंगल पीस आता है? सिंगल पीस की चार। अच्छा ओके, बटर इसको बटर में सेकते क्या? हाँ भैया। अच्छा बटर में अच्छे से सिंगल पीस ही आता है ना इसके साथ, डबल पीस नहीं आता नहीं। और क्या प्राइस है इसका? 60 रुपीस है सर। अच्छा 60 रुपीस। और अगर किसी को कुलचा एक्स्ट्रा चाहिए तो? 20 रुपीस का कुलचा लगता है एक्स्ट्रा। अच्छा ये बन के रेडी हो चुका है भैया। तो देखो भाई ये मटर कुलचा बन के रेडी है। भैया ने एकदम सिस्टमेटिकली यहाँ पे गार्निशिंग वगैरह करके दिया है और काफी बढ़िया लग रहा है भाई दिखने में। ना देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। अच्छा आ रहा है, हल्के से थोड़े मटर बॉईल हो जाते हैं ना, काफी बढ़िया लगता है। स्पाइसी है, कुलचे भी अच्छे लग रहे हैं, बटर में इसको सेका है तो काफी बढ़िया लग रहा है और ओवरऑल काफ़ी सही है। नागपुर में वैसे भी अपने को छोले कुलचे काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। बाकी आपको अगर ये ट्राई करना है तो आपको एड्रेस दिया है, वहाँ पे आ जाना और ये ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दो। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ भी और ऐश करो भी। हाँ भैया एक बार एड्रेस और इसका टाइमिंग बता दीजिए। हाँ भैया इसका टाइमिंग रहेगा शाम के 5 बजे से 11 बजे तक रहता है। अच्छा और इसका एड्रेस है अपना कृष्णा सभा गृह है उसके ग्राउंड में, गोधनी रोड, गंगाबाई टाकली, नागपुर। ओके थैंक यू भैया।